आरजेडी की किस्मत इस वक्त बड़ी ही तेजी से बदलती हुई दिख रही है। कल से अगर आज का घटनाक्रम देखेंगे तो आप यही कहेंगे। सीधे तस्वीरें आपको बिहार विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर लालू यादव अपने विधायकों के साथ पहुंचे हैं। किस्सा बहुत पुराना नहीं है, कल शाम से लेकर आज का ये किस्सा है। किस्सा ये कि 13 विधायक बागी हो गए थे और उन 13 में से पहले 6 लौटे, फिर 9 लौटे, फिर 10 लौटे, फिर लालू की तरफ से दावा ये किया गया कि 11 लौट आए हैं और बाकी जो 2 हैं उन्हें भी लौटा दिया जाएगा। देखिए हाथ खिलाते हुए थोड़े से सुकून में जरूर नजर आ रहे हैं लालू यादव। सुबह हमने उनकी गुस्से की भी तस्वीरें आपको दिखाई थी, लेकिन अब गुस्सा शायद शांत होता हुआ नजर आ रहा है। कई तरह की शिकायतें हैं, कई तरह के वार भी उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ किए हैं। स्पीकर को भी कटघरे में खड़ा किया है, स्पीकर से मुलाकात करेंगे ये भी कह रहे थे वो। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा की, जहां पर लालू अपने विधायकों के साथ पहुंचे हैं। 2 विधायक आपको याद दिला दें, सम्राट चौधरी और जावेद अंसारी अभी भी शामिल नहीं हुए हैं, वापस नहीं आए हैं जेडीयू में। ये वो 2 विधायक हैं जिन्होंने कल खुलेआम बागी होने का ऐलान किया था। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की बी टीम की तरह आरजेडी काम कर रही है। तस्वीरें बिहार विधानसभा की आप देख रहे हैं, जहां पर लालू यादव विधायकों के साथ पहुंचे हैं। सैकड़ों समर्थकों और विधायकों के साथ निकल गए हैं विधानसभा से। सर ये बताइए कहाँ जा रहे हैं, क्या उद्देश्य? स्पीकर असेंबली जी, राजभवन। ये खिलौना है चौधरी नीतीश कुमार का जी। नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है जी, अल्पमत में चला गया है। इसे अरबों रुपया दे के खरीद बिक्री में आजादी तो सब करवा के आए स्पीकर का जो दुरुपयोग कर रहा है पद का। हम सब मिलने जा रहे हैं, जैसे तुम बोलो वो लगता है कि बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। पता है, भागा है दिल्ली, जब हम आए हैं तो भागा है दिल्ली। आपको लगता है विधानसभा अध्यक्ष ने गलत काम किया है? विधानसभा अध्यक्ष ने गलत किया है, कानून का उल्लंघन नीतीश किया है, नीतीश करवाया। सोच करेंगे नीतीश बताइए कि क्या लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका रही? विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध रही है। ये सरकार के एजेंट के रूप में काम किए हैं और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है, सारे असंवैधानिक काम किए हैं और निश्चित तौर पर इसका राष्ट्रीय जनता दल खुलासा जनता के बीच में फिक्र होगा। विधानसभा के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? विधानसभा के बाद कहाँ? विधानसभा के बाद माननीय राज्यपाल जी को भी मिलकर के ज्ञापन दिया जाएगा। तो ये थे आरजेडी के नेता, साथ में उनका ये कहना है कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने किया है वो काफी गलत है और जो 9 विधायक अभी भी उनके साथ हैं उन्होंने दावा किया है कि उनके जो सिग्नेचर है वो फर्जी हैं और वो नीतीश कुमार के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष को भी एक्सपोज करने का काम करेंगे।